नमस्ते, मसाला बाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मूंग की दाल के लड्डू। मूंग की दाल के लड्डू के लिए हमें चाहिए मूंग की धुली दाल 1 कटोरी, चने की दाल 1/4 कटोरी, 1 मूली घिया कसकी हुई, 1 कटोरी धनिए पुदीने की चटनी, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, रिफाइंड ऑयल तलने के लिए। अब हम सबसे पहले मूंग धुली दाल और चने की दाल को पानी से अच्छी तरह धोएंगे और 3-4 घंटे पानी में भिगोकर रख देंगे। दाल को भीगे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इसका पानी निकाल लिया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसमें दाल डालेंगे और दाल में बिना पानी लगाए दाल को दरदरा पीस लेंगे। मैंने पीसी हुई दाल को एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और दाल को फेंट लेंगे। हमने इसमें सोडा नहीं मिलाया है। हम इस दाल को 10 से 15 मिनट तक फेंटेंगे जिससे हमारे लड्डू सॉफ्ट बनेंगे और फूलेंगे। फेंटने के बाद आप देख सकते हैं कि मिक्सर थोड़ा फूल गया है। अब हम इस मिक्सर से लड्डू तैयार करेंगे। लड्डू तलने के लिए गैस पे कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे और मीडियम आंच पर तेल को 5 से 6 मिनट गर्म होने देंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके लड्डुओं को डालेंगे। लड्डू ध्यान से डालें, ज़्यादा ऊपर से ना डालें, नहीं तो तेल आपके ऊपर गिर जाएगा। लड्डुओं को मीडियम आंच पर ही तलेंगे, नहीं तो लड्डू बाहर से तो डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। एक तरफ से 2 से 3 मिनट सिकने के बाद इन्हें दूसरी तरफ पलट देंगे। अब एक तरफ से लड्डू सिक चुके हैं। अब हम इन्हें दूसरी तरफ पलट देंगे। लड्डुओं को बनने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसी तरह हम अलट पलट करके लड्डुओं को डार्क ब्राउन होने तक तल लेंगे। आप देख सकते हैं कि लड्डू दोनों ओर से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन लड्डुओं को एक प्लेट में निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर पर रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल टिश्यू पेपर सोख ले। इसी तरह बाकी के लड्डू भी हम तल लेंगे। हमारे मूंग दाल के लड्डू तैयार हैं। अब हम इस पे चाट मसाला छिड़क देंगे और धनिए पुदीने की चटनी डाल देंगे और गर्मा गर्म लड्डुओं को सर्व करेंगे। अगर आपको मूंग की दाल के लड्डू की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। मसाला बाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।